महाराणा प्रताप के जीवन में कहीं निराशा के कभी बादल छाए तो इतिहास में ये बात बहुत अच्छे तरीके से विदित है कि महाराणा प्रताप के जीवन में सबसे बड़े उनके जो भगत थे वो आपके बीकानेर के थे और बीकानेर के पृथ्वीराज सिंह राठौड़ ने महाराणा प्रताप को एक बार फिर से जगाया था, आपको याद होगा। और इसी बात को लेकर सुजानगढ़ के हमारे राजस्थानी मायड़ भाषा के बहुत सिद्ध हस्त कलमकार कलम मनीषी श्रद्धे डॉक्टर कन्यालाल सेठिया ने पीथड़ और पाथड़ की कविता रच दी, उस कविता को कह दिया, मैं दो पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं विश्वनाथ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, शायद पहले मैंने कभी गाया नहीं होगा, भाई साहब से भी निवेदन करता हूं कि आप जरूर सुनिएगा। नानो सो अमरो जी के पड़ो राणा रो सोयो दुख जागो दुख जागो, हूँ लड़ियो घणो हूँ सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने पाच नहीं रा किरण में बेरा रो खून बहावण ने बेरा रो खून बहावण ने जद याद करो जद याद करूं हल्दी घाटी नैणा में रगत उतर आवे सुख दुखी रो साथी चे तगड़ो सूती सी रूख जावे। चंद कोशिशों के बाद भी महाराणा प्रताप को डॉक्टर साहब उनको हार का सामना करना पड़ा क्योंकि एक जीवन की लड़ाई थी नहीं, तीन तीन पीढ़ियां खप गई थी। इस देश में पहला मुगल बाबर था, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर और मेवाड़ के राजवंश में महाराणा कुंभा, उससे पहले बप्पा रावल, फिर महाराणा कुंभा और महाराणा कुंभा के बाद महाराणा सांगा के बाद महाराणा उदय सिंह और उदय सिंह से होते हुए ये उधर अकबर और इधर महाराणा प्रताप तक ये कहानी लड़ी और हजारों लाखों लोग वीर गति को प्राप्त हो गए, कई सुहाग उजड़ गए। मां के पुरसी हुई थालियां बेटा ने जीवन वास्ते थालियां पुरसी रह गई, बेटा वीरगति ने प्राप्त हो गया, समाचार आयो कि आपको बेटो दुनिया में ना रहे हो। महाराणा प्रताप की शक्ति क्षीण हो गई, कुछ समय महाराणा प्रताप अपने महलों को छोड़कर जंगलों में चले गए, स्वयं और अपने परिवार को घास फूस की रोटी खिलानी कबूल कर ली, पर अकबर की गुलामी नहीं करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा महाराणा प्रताप ने कर ली। लेकिन बहुत समय तक जब परिवार को बिलबिलाता देखा, जब भूख से तड़पता देखा, तो महाराणा प्रताप के बहुत जो हितेशी जो उस समय के उनके जो समझदार लोग थे उनके साथ में बैठ के चर्चा हुई कि आखिर में क्या करें। ये जब जो बुद्धिजीवी लोग बैठे, मैं निवेदन करता हूं आप बहुत ध्यान से सुनना, तो बहुत समझ से ये फैसला हुआ कि एक बार दुश्मन को रोकना आवश्यक है क्योंकि दुश्मन कुछ समय के लिए रुकेगा तो हम अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, और दुश्मन कुछ समय के लिए रुके कैसे इसका जत्न करना चाहिए क्योंकि युद्ध से तो हमने देख लिया तो उसका जत्न क्या करें। तो बड़ी चतुराई से एक निर्णय हुआ कि क्यों नहीं एक पत्र अकबर को लिख दिया जाए। अकबर उस पत्र के मद में कुछ समय के लिए राजी हो जाएगा, रुक जाएगा, और कुछ समय में हम अपनी शक्ति को फिर से एक बार पुनर्स्थापित कर देंगे और फिर अथक रूप से अकबर से लड़ेंगे। पत्र गया दिल्ली, अकबर ने जब वो पत्र पढ़ा, और उससे पहले महाराणा प्रताप को जब ये कहा गया तो महाराणा प्रताप इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। देखिए दो पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं, महाराणा प्रताप के मन में आया कि हजारों लोगों का लहू बहा, चेतक का बलिदान हुआ, जयमल पत्ता भामाशाह जैसे लोगों का इस देश पर ऋण है, झाला मानसिंह जैसे लोगों ने इस देश के लिए सरेआम
मेरा रूप धारण करके स्वयं को कटवाना मंजूर कर लिया। ऐसे लोगों की शहादत पर प्रताप ये काम कभी नहीं करेगा। और दो पंक्तियां डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी, मैं आपको सुना रहा हूं, सुनिएगा। पढ़ लिखूं किया जद देखे है आडावल हूं जो ही यो लिया, पढ़ लिखूं किया जद देखे आडावल हूं जो ही यो लिया, चित्तौड़ खड़ो है मगरा में विकराल भूत सी लिया जिया, विकराल भूत सी लिया जिया, हूं झुकूं किया है आन मने कुलरा के शरिया बानारी, हूं बुझूं किया हूं शेष लपट आजादी रे परवाना। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने पत्र लिख दिया। पत्र अकबर के हाथों में गया, अकबर का सपना सच हो गया। लेकिन अकबर बड़ा धूर्त था। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप की इस हार को सिर्फ मैं या मेरा दरबार नहीं पड़े, पूरे देश को पता चलना चाहिए कि हिंदुआ सूरज मेवाड़ की वो आन बान की शान की वो पगड़ी आज अकबर के पैरों में पड़ी है। अकबर को ये पता था कि महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा भक्त कौन है, और अकबर ने दिल्ली से बीकानेर समाचार भिजवाया, पृथ्वीराज सिंह को दिल्ली बुलवाया। पृथ्वीराज सिंह दिल्ली पहुंचे, भरी कचेरी में वो कागज महाराणा प्रताप का पृथ्वीराज सिंह के हाथ में दे के अकबर बोला, मर डूब चलू भर पानी में झूठा ही गाल बजावे हो, मर डूब चलू भर पानी में झूठा ही गाल बजावे हो, प्रण टूट गयो वीराने को तू भाट बना बिड़दावे हो, तू भाट बना बिड़दावे हो, मैं आज बादशाह धरती को मेवाड़ी पाग पगा में है, अब बता मने किन रज वटरे रजपूती खून रगा में। अकबर बोला कि तू चिल्लू भर पानी में डूब के मर जा। 2400 घंटे भाट बन के जिनकी वृदावली गाया करता था, आज वो महाराणा की पाग मेरे कदमों में पड़ी। अब मैं देखता हूं कि तू अपनी मूंछों के बट कैसे लगाता है। मित्रों, देशभक्ति क्या होती है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पृथ्वीराज को पता था कि ये घटना हो गई है, लेकिन इस घटना को मैं सीधा कैसे करूं, क्योंकि इस घटना में यदि मेरी भूमिका नहीं रही तो इतिहास में कलंक में मेरा भी नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। तत्काल संभले, बड़ी चतुराई से पृथ्वीराज सिंह ने अकबर को कहा कि जहां पना यदि आप हुक्म करें तो मैं इस पत्र की सच्चाई जानना चाहता हूं, यदि आप हुक्म करें तो मैं इस पत्र की सच्चाई जानना चाहता हूं। अकबर ने कह दिया कि तेरे को हुक्म है। और उस समय पृथ्वीराज सिंह ने महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा। इस पूरी कविता का क्लाइमेक्स पढ़ रहा हूं। मित्रों, मैं निवेदन करता हूं, सभी लोग जग रहे हो, आप लोग ध्यान से सुनना कि पृथ्वीराज ने किस प्रकार से उस सोए हुए शेर को जगाया। मैं आज सुनी है नाहरियो साड़िया के सागे सोवे लो, मैं आज सुनी है नाहरियो साड़िया के सागे सोवे लो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादल की ओटा खोवे लो, मैं आज सुनी है चातकड़ो धरती को पानी पीवे लो,
मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकररी जूणा जीवे लो। लिखा कि मैंने सुना है कि जंगल का राजा शेर अब बकरियों के साथ में रहना शुरू कर देगा। मैंने सुना है कि चमकता दमकता सूर्य सदा के लिए बादलों की ओट में खो जाएगा। मैंने सुना है कि जिस चातक की चोंच धरती पर पड़े पानी पीने जैसी बनी ही नहीं, वो चातक भी धरती का पानी पीना शुरू कर देगा। और मैंने सुना है कि मदमस्त हाथी अब कुत्ते सी जिंदगी व्यतीत करेगा। उससे भी आगे बड़ा गजब लिख दिया, कहा मैं आज सुनी है थारे तका अब रांड हो गए राजपूती। मैं आज सुनी है थारे तका अब रांड हो गए राजपूती। मैं आज सुनी है म्याना में तलवार रवेली अब सूती। मैंने सुना है कि आपके होते हुए राजपूती विधवा हो जाएगी। दुश्मन की छाती का संहार करने वाली तलवार अब सदा के लिए म्यान में विश्राम करेगी। ये बात कहां तक मानो। हो मारो हिवड़ो कांपे है मूछारी मोड़ मरोड़ गई। पीथल राणा ने लिख भेजो आ बात कथा तक गिना सही। पत्र पहुंचा मेवाड़। महाराणा प्रताप ने उस पत्र को पढ़ा और पढ़ते ही महाराणा प्रताप की आंखों में एक बार फिर से लाल रंग छा गया। लाल रंग का लहू एक बार फिर शरीर में दौड़ गया। पत्र के जवाब में महाराणा ने लिखा, पीथल के खिमता बादल री जो रोके सूर्य उगाड़ी ने। पीथल के खिमता बादल री जो रोके सूर्य उगाड़ी ने। सिंघारी हाथल सहले वे बाकूक मिली कद साड़ी ने। बाकूक मिली कद साड़ी ने। धरती को पानी पीवे सी चातक की चोंच बनी कोनी। कुकर री जूणा जीवे सी हाथी की बात सुनी कोनी। राखो थी मूछा ए थोड़ी लोहीरी नदी बहा दूला। राखो थे मूछा है जोड़ी लोहीरी नदी बहा दूला। हूँ अथ कलड़ूला अकबर सो उजड़ियो में वाड़ बसा दूला। हूँ रजपूतन रो जायो हूँ रजपूती कर्ज चुकाओला। रजपूतन रो जायो हूँ रजपूती रजपूती आन निभाओला। ओ शीश भले पर पड़े ओ शीश पड़े पर पाग नहीं दिल्ली को मान घटाओला। अंत में जदराणा समझ में आया तो तालियां उठा देना, अभी नहीं पहले सुन लो। जदराणा रो संदेश गयो पीथल री छाती दूनी ही। जदराणा रो संदेश गयो पीथल री छाती दूनी ही। जदराणा रो संदेश गयो पीथल री छाती दूनी ही। हिंदवाणो सूरज चमके हो अकबर री दुनिया सुनी। अकबर री दुनिया सुनी। अकबर री दुनिया सुनी।
अकबर री दुनिया। बस यही मेरा निवेदन।